एमोस की किताब हम लोग पढ़ेंगे, और एमोस की किताब का 9 अध्याय है, और ये 9 अध्याय के अंदर में ये भविष्यत भक्ता ने परमेश्वर जूदा प्रदेश से, वो जूदा प्रदेश का रहने वाला था, लेकिन परमेश्वर उसको उत्तर इज़राइल को भेजा, जिसको दो भाग हो गया है, ऊपर में उत्तर का होता है इज़राइल और दक्षिण का होता है जूदा प्रदेश, दो भाग हो गया था सोलोमन राजा का बेटा का समय से, रेहोबोआम का समय से दो भाग हो गया, और बहुत साल तक माने बंधन में जाने तक ये देश दो भाग होके रह गया, और परमेश्वर अपना समय में फिर दोनों को मिला दिया। अभी दोनों मिल के है, इज़राइल एक अब एक है, लेकिन जूदा प्रदेश से एमोस परमेश्वर उसको बताया था तो इज़राइल में जाके उधर भविष्यवाणी करो, राजा से बात करो, और इज़राइल का समय इस समय में एमोस जब भविष्यत भक्ता था तो इज़राइल का बहुत अच्छा चल रहा था, उसका बहुत उन्नति हो रहा था, उनका बहुत सुंदर से चल रहा था, कोई चीज का कमी नहीं है, और सब तरफ से देखता है कि सबसे भरपूर होता है, फसल अच्छा होता है, कमाई अच्छा होता है, द्राक्षा अच्छा हो रहा है, सब चीज अच्छा हो रहा है, खाना पीना अच्छा हो रहा है। जब अच्छा समय होता है तो परमेश्वर से थोड़ा दूर होने का थोड़ा डर होता है। जब घर में सब कुछ ठीक है, खाना पीना कोई चीज का कमी नहीं है, सबका तंदुरुस्ती में है, रहता है, कोई बीमार नहीं है, नौकरी अच्छा है, घर अच्छा है, परिवार अच्छा है, बच्चों का अच्छा पढ़ता है, डॉक्टर पास जाने का दरकार नहीं, तो उस समय में परमेश्वर के पास में एक ठंडापन आ जाता हम लोग का जीवन में, और जब तकलीफ आता है तो हम लोग दौड़ के जाता है। अनेक बार हम लोग देखता उपवास प्रार्थना में कौन जन आता है ज्यादा, जो नहीं आने वाला उपवास प्रार्थना में तब आता है जब उनका घर में कोई समस्या हो गया, चलो उपवास प्रार्थना के लिए जाएंगे, वो खराब नहीं, वो अच्छा बात है, कम से कम तकलीफ का समय में प्रभु के पास आता है, कम से कम, हालेलुया। अगर वो भी नहीं होता है तो आपका क्या हालत हो जाता था। प्रभु को धन्यवाद, ये मंडली में बेथल चैपल मंडली में हम लोग उपवास प्रार्थना अब तक हो रहा है, और उपवास प्रार्थना द्वारा मंडली खड़ा हो सकता है, हालेलुया। तो आइए हम लोग फिर जाएंगे वापस, इज़राइल का संतान लोग का बहुत सुंदर से, राजा का बहुत अच्छा से चल रहा है, उन्नति हो रहा है, कहीं पर कुछ युद्ध नहीं हो रहा है, सब उनका पूरा उन्नति होने के समय में वो लोग परमेश्वर से दूर होने लगा, प्रभु का बात और नहीं मानता था। इधर लिखा है वो लोग बड़ा कपटीय हिसाब से पूजा पाठ भी करता था, मंदिर जाता था, मंदिर में भेंट चढ़ाता था, मंदिर में जो पर्व मनाना वो सब मना रहा था, लेकिन कपटीय हिसाब से। और इसलिए परमेश्वर ये किताब में इज़राइल संतान लोग का विरोध में शिकायत करता है, शिकायत करता है, शिकायत करता है कि इज़राइल ऐसा करता है, वैसा करता है। आप जानता है परमेश्वर को जब भेंट चढ़ाता है वो भेंट को वो लोग संभाल के रखना 14 दिन के लिए नियम है, 1 साल का भेड़ी होना चाहिए, और उसको रखता है 1 साल माने 14 दिन के लिए रखता है, देखता है उसका शरीर में कोई जख्म नहीं है, अंधा या टेढ़ा या पांव टेढ़ा या कुछ घाव कुछ होना, ये सब हम लोग देखता है कि नहीं होना चाहिए जब एक भेंट चढ़ाने के लिए जा रहा है। लेकिन ये काम में भी इजरायली लोग पीछे हट गया और अच्छा अच्छा सब अपने लिए रख दिया, और प्रभु बोल रहे हैं तुम अपना अपना लिए अच्छा अच्छा मोटा तगड़ा रख दिया है, और हमारे लिए आके लंगड़ा को लाके चलाता है, जिसका पैर टूटा है, जिसका ठीक नहीं है, ऐसे भेंट लाके आप चढ़ाता है। परमेश्वर इज़राइल संतान लोग का विरोध में बोलता है, और परमेश्वर बोलता है तुम्हारा गवर्नर का पास लेके जाओ, आप जो भेंट हमको चढ़ाता है वो भेड़ी को लेके आप अपना गवर्नर का पास जाओ, अपना राजा का पास लेके उसको दो, पुरस्कार दो, देखो आपका हाथ से लेगा कि नहीं, वो नहीं लेगा। लेकिन हमारा पास में आके आप इस तरह कर रहा है, ये ठीक नहीं है जो आप कर रहा है। तो उसी तरह एमोस को परमेश्वर ने इज़राइल भेजा ये सब चीज सजाने के लिए, और बता रहा था कि भयंकर परिस्थिति आ रहा है, भयंकर परिस्थिति आ रहा है, सुधर जाओ। और जितना बार बोल रहा था ये बात बार बार बोल के हम भी थक गया, परमेश्वर और कितना थका हुआ हमको मालूम नहीं, लेकिन जितना भविष्यत भक्ता जो माइनर प्रॉफिट जो है
हम देखते हैं कि पूरा आइजाया का किताब से जो शुरू हो गया, यही बात बार बार हम बोल रहे हैं। परमेश्वर ने भविष्य भक्त को उठाया, इज़राइल के पास भेजा, सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ, लेकिन वो लोग मानने के लिए राजी नहीं है। बोलता चमड़ा मोटा हो गया है, दिमाग भी मोटा हो गया है, मानने के लिए राजी नहीं है। जब तक परमेश्वर का क्रोध पूरा आ गया, बेचार आया, जब वो लोग दूसरा देश का बंधन में चले गया, तब होश में आया। ऐसे बार बार। और इसलिए हम आप लोग को आज बताने चाहते हैं, जब प्रभु आपको आशीष दिया है, प्रभु को धन्यवाद देने का और प्रभु का पास आने का समय है। जब आपका सब अच्छा चलता है, परमेश्वर का और पास आओ, क्योंकि जब आपका पढ़ाई का समय बोलता है, प्रभु हम पढ़ाई में पास होना है, हमारा कॉलेज का परीक्षा है, हमारा ये है वो है, हम लोग प्रार्थना में मांगता है। प्रभु जब हमको पास होने के लिए देता है, अच्छा मार्क्स लेके आता है, अच्छा नौकरी मिल जाता है, अच्छा पार्टनर मिल जाता है, अच्छा बच्चे लोग मिल जाता है, सब जब अच्छा अच्छा होने लगता है, तो हम लोग का परमेश्वर का आशीष लेके आगे आने का जगह में हम लोग पीछे हो जाता है। आप जानते बहाना क्या होता है, हम लोग के दिनों में ज्यादा बहाना क्या है, बहुत काम है, ट्यूशन है, बच्चे लोग बोले ट्यूशन है, पढ़ाई है, होमवर्क है, और माँ बाप बोले बहुत काम है, बहुत ये है, बहुत वो है। क्या होता है, जब उन्नति होता है तो बहुत काम हो जाता है, टाइम नहीं मिलता है परमेश्वर के पास आने के लिए। और ये होता है हमारा खुद का बर्बादी का, हम खुद बर्बाद हो जाता है जब हम परमेश्वर से दूर होता है। जब हम झरना का पास है तो अच्छा पानी हम पी सकता है, जब झरना का पास है, अगर हम दूर हो जाएगा फिर हमारा पानी साफ नहीं रहेगा, अच्छा पानी नहीं रहेगा, हमको गंदा पानी पीना पड़ेगा, फिर बीमारियां होता है, अभाव होता है, ये होता है, तकलीफ होता है, दुख होता है। इसीलिए झरना का पास रहना है, परमेश्वर यही बात बोलता है, अपना परमेश्वर का पास रहना जैसा आपका उन्नति होगा। अब परमेश्वर हमको आशीष देने वाला, जैसा मम्मी डैडी का सब आशीष ले जाने के बाद में हम सुना है, बच्चे लोग बोलते हैं मम्मी हमारे लिए आप क्या किया है, डैडी आप हमारे लिए क्या किया है, ये बात सुनने से बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि क्या किया बोलने से बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप देखा छोटे छोटे बेबी लोग को देखा घर में, उनका क्या हालत होता है, मम्मी का डैडी का आप लोग देखता है, कितना रात के लिए सोना नहीं होता है, कितना रात के लिए क्या क्या होता रहता है, ये सब होता है। और जब बड़ा हो जाता है या डेना हो जाता है तो हमारे लिए क्या किया, ऐसे ही माँ बाप को बोलता है बच्चे लोग, प्रभु को भी इस तरह बोलता है। आप जानते हैं ये किताब में इज़राइल संतान लोग बोलता है, कौन से हिसाब से हम लोग आपका विरोध किया, हमने किधर आपका विरोध किया है, ये किताब में लिखा है, आपके विरोध हम लोग कब किया, आपके विरोध में हम लोग कब बोला, आपसे दूर हम लोग कब हुआ, मैंने इतना भी अपना मालिक से भी बात कर सकता है। तो आप मम्मी डैडी का उदाहरण लिया, लेकिन परमेश्वर से भी वही कारबार हमारा होता है, प्रभु आप हमारा आप हमारे लिए क्या किया, आप हमारा प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है, आप हमसे क्यों दूर है, ये सब हम बोलते हैं। आप जानता प्रभु दूर नहीं है, आप दूर हो जाता है, परमेश्वर जिधर का जिधर उधर ही है, हम परमेश्वर से दूर हो जाता है। आप जानता है एलाइजा और एलाइशा दो भविष्य वक्ता लोग था, और एलाइजा गुरु था, एलाइशा उनका चेला। जब गुरु परमेश्वर उसको एक अग्नि का रथ में लेके चले गया, तो एलाइशा उनका चेला जो है वो नदी के पास जब आया और नदी उसको जब पार करना है, वो बोला एलाइजा का परमेश्वर किधर है, वो पूछता है एलाइजा का परमेश्वर किधर है, और वो एलाइजा उनका गुरु का जो चद्दर लेके वो पानी पर जब मारा तो नदी दो भाग हो गया। एलाइजा का परमेश्वर किधर है, आप जानते हम किस लिए ये बात बोला है, आपका परमेश्वर किधर है, एलाइजा का परमेश्वर जिधर है वो उधर ही है, आप ही दूर हो गया, हम दूर हो गया। जब हमारा परमेश्वर से हम दूर होता है तो हमारा जीवन में तकलीफ होता है। आप जानते एक झुंड में जब सब मोइसी जो है ना भैंस, जब भैंस पूरा जंगली भैंस वो लोग जब सब एक झुंड में रहता है, शेर उनसे डर के रहता है, दूर होता है।
आप देखो एनिमल प्लैनेट में देखो, नेशनल ज्योग्राफिकल चैनल देखो, हमको बहुत मजा लगता है सब देखने के लिए जंगल का। आप जंगल में देखो भैंस जो है बहुत तगड़ा है और वो कितना दो तीन शेर को वो संभाल लेता है, और जब वो पूरा झुंड में है और शेर जितना भी आने दो वो लोग सब मिलके जब एक पीठ को पीठ मिला के खड़ा हो जाता है उनका सिंह का सामने में, कोई शेर भी खड़ा नहीं होगा। लेकिन बात क्या होता है, शेर चलाकी से, वो शिकारी है ना, राजा है, वो उनको दौड़ाता डराता है, और ये भैंस लोग क्या करता है, वो लोग दौड़ना शुरू करता है। जब वो लोग दौड़ना शुरू करता है एक भैंस क्या करता है, आप जैसा हम जैसा कैसा भूल करता है, एक भैंस क्या करता है, बहादुरी दिखाता है, वो खड़ा होके वो शेर लोग को सामने करता है, शेर दौड़ाता है, वो पीछे घूम के जब सिंह दिखाता है तब तक उनका झुंड पूरा भाग गया है, सब भाग गया, वो अकेला हो गया। और यही शेर यही चाहता है, वो जितना तगड़ा भैंस होने दो, अगर चार पांच शेर उसको घेर दिया तो उसको संभालने नहीं सकेगा, वो लोग पीछे से पकड़ के उसको पूरा टान के नीचे गिरा देता है, और एक बार जब नीचे गिर गया तो उसका खेल खत्म हो गया है। वो जितना तगड़ा भैंस होने दो, वो जब अकेला हो जाता है वो टूट जाता है। इसी तरह मंडली भी है, जब हम लोग मिलके है, हम झुंड का अंदर में है, अब चर्च क्यों नहीं आया, थोड़ा काम था, संभाल के रहना, झुंड से अलग रहने से, झुंड से दूर रहने से शेर का शिकार बन जाएगा। इसलिए इधर पत्रस बोलता है तुम्हारा शत्रु शैतान शेर का तरफ घूम रहा है, गजर रहा है, किसको वो पकड़ के खत्म कर देगा, तो इसे संभाल के रहना। जब हमारा झुंड का अंदर में हम रहता है तो कोई शेर का दम नहीं है आपको और हमको गिराने के लिए, प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए इधर भी वही बात बोल रहा है कि इज़राइल संतान लोग उसी तरह परमेश्वर से दूर होने लगा, और इधर एमोस ने आके उनको बताता है, बोलता हम कोई भविष्यद्वक्ता नहीं है, हम एक पालक है, हम गाय ये सब चरवाता है, और हम अंजीर पेड़ का संभालता है, अंजीर पेड़ का फसल करता है, और हम जूदा प्रदेश का रहने वाला है, हम भविष्यद्वक्ता नहीं है, भविष्यद्वक्ता का परिवार का नहीं है, हम एक किसान है। लेकिन परमेश्वर हमको बोला तुम जाओ इज़राइल से जाके बात करो, उनको बताओ। तो इसीलिए वो लोग ज्यादा उनका विरोध करता था, तुम जूदा प्रदेश से आए तुम वापस चले जाओ, इतना तक भी बोल रहा था, तुम जूदा प्रदेश का है तुम वापस चले जाओ, इधर क्यों बोल रहे हैं, याचक भी उनको बोल रहा था तुम वापस चले जाओ। लेकिन एमोस बोला हम कोई भविष्यद्वक्ता नहीं है, परमेश्वर हमको भेजा है तो हम आके आपको बताता है, खतरा आ रहा है, शत्रु आ रहा है, आप विनाश होने के लिए जा रहे हैं, वो बोलता है एक समय आ रहा है, ये किताब में आपको मिलता है वही वचन आप देख सकता है, वो बोलता है 8:11-12 में, ये किताब एमोस का 8:11-12 में, ठीक है, हमारा बहन अभी पढ़ने के लिए जा रहा है। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। इधर बोलता है परमेश्वर बताता है कि देखो एक समय आ रहा है, दिन आ रहा है जब अकाल होगा, और वो भी पानी के लिए नहीं, परमेश्वर का वचन के लिए। अकाल का समय फैमिन आ रहा है, खाना पीना के लिए नहीं, पानी के लिए नहीं, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर वो वचन को दूर कर देगा। इधर लिखा है डेज आर कमिंग आई विल सेंड अ फैमिन ऑन द लैंड Not for water, but hearing the word of the Lord. परमेश्वर का बात को, वचन को सुनने के लिए अभाव होगा, आपको मिलेगा नहीं। ये किताब में वचन लिखा है, माने एमोस का किताब में। और आगे देखेंगे, एमोस का किताब का चार भाग है, चार भाग है, 1-2:16 तक, 1-2:16 तक वो 8 प्रकार का भविष्यवाणी करता है। एमोस का किताब में 8
भविष्यवाणी देता है, एक का एक से दो का सोलह तक, ये दोनों अध्याय में वो भविष्यवाणी, आठ भविष्यवाणी किया है। उसके बाद में हम लोग देखता है तीन अध्याय का एक पद से छह अध्याय का चौदह पद तक वो तीन भाषण देता है, तीन प्रकार का भाषण देता है इज़राइल संतान लोग को, जो परमेश्वर उसको दिया है वचन उनको बोलने के लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं सात अध्याय का एक पद से नौ अध्याय का दस पद तक पांच दर्शन वो देखा है, पांच दर्शन वो देखा है। तो दर्शन के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं परमेश्वर क्या क्या बता रहा है। और आखिरी में देखता है नौ अध्याय से ग्यारह का पंद्रह तक पांच प्रतिज्ञा परमेश्वर देता है, पांच प्रोमिसेस। तो इस तरह ये चार भाग हम लोग उसको तोड़ सकता है। और ये चार भाग में हम लोग देखता है, नंबर वन बोलता है आठ भविष्यवाणी जो है, और वो हर भविष्यवाणी में आप देखते शुरू से आप एमोस का किताब पढ़ने से बोलता है आपका तीन अपराध के लिए और चार अपराध के लिए ये सब आपको पर में घटेगा। मतलब क्या बोलता है परमेश्वर इधर बार बार ये बात किस लिए बोलता है, सात बार बोलता है ये बात। और उसका बोलने का मतलब ये होता है ये आखिरी चांस जैसा है, तीन बार का अपराध माफ हो गया, ये चौथा बार होता है आपका, चौथा बार के लिए और माफी नहीं है। तीन बार माफी दे दिया, चौथा बार में माफी नहीं देगा, उस तरह भाषा में परमेश्वर ने बात करता है। बोलता फिर भी हमारा लोग सुधरता नहीं, बदलता नहीं, वो बोलता है। और सात बार बोलता है हम आग भेजेगा, हम आग भेजेगा, आग माने बेचार भेजेगा। दो में लिखा है, दो पॉइंट में उसका तीन भाषण वो दिया है, और तीन भाषण में वो बताता शुरू में बोलता है हियर दिस वर्ड, ये वचन को सुनो, ये वचन को सुनो। और वो तीनों बार जो भाषण देता है वो बोलता है ये वचन को सुनो जो परमेश्वर बोलता है, और बताता है कि आखिरी में बोलता है फिर भी ये लोग हमारा पास वापस नहीं आया है, येट दे हैव नॉट रिटर्न टू मी। ये वचन को सुनो बोलता है, लेकिन फिर भी ये लोग हमारे पास वापस नहीं आया है, उनका उनका भाषण द्वारा भी नहीं सुधरा है, वापस नहीं आया है। आपका चार में आप देख सकता है, तीन में देख सकता है, वो दर्शन देखता है, एमोस दर्शन देखता है, और वो दर्शन पांच दर्शन वो देखा है। एक देखा कि टिड्डी जो बोलता है वो टिड्डी आता है और पूरा सब कुछ खा लेता है, परमेश्वर भेजता है इस तरह। अभी हम लोग देखते हैं कि जो वॉर चल रहा है रशिया और यूक्रेन का, उनका पूरा पलटन को भेज दिया उधर जाके, एक छोटा देश को आक्रमण करके उनको पूरा घुटना टेकने के लिए बोलता है, लेकिन वो लोग सुनता नहीं, वो लोग विरोध करता जा रहा है। तो इधर परमेश्वर भी क्या करता है, परमेश्वर जब हम सुधरता नहीं उनका भी मिलिट्री भेजता है। उनका मिलिट्री क्या है, बारिश, कुहरी, ये क्या कुआ पत्थर जो बोलता है ना, कुआ पत्थर, हेलस्टोन जो बोलता है, अंधकार, तूफान, भूमिकंप, आग, ये सब परमेश्वर का हथियार है हम लोग को सुधारने के लिए। अभी अभी तीन बार हो गया ना जो कोरोना वायरस आया था, ये परमेश्वर का हथियार है हम लोग को सुधारने के लिए। ये आखिरी समय है, और अगर हम लोग इस तरह नहीं सुधरा तो परमेश्वर उस तरह कर रहा है सुधारने के लिए। परमेश्वर एक प्रेमी परमेश्वर है, वो नहीं चाहता है कोई एक जन विनाश हो के नरक जाना, वो नहीं चाहता है, वो चाहता है किसी हालत में हम अनुताप करके उनके पास वापस आना है, किसी हालत में वापस आना है। तो इसलिए परमेश्वर हमको सुधारने के लिए एक एक प्रकार का ऐसा समस्या भेजता है। जब परमेश्वर आपका जीवन में समस्या भेजा, हम तीन प्रकार का समस्या आपको बताने चाहता है। अगर परमेश्वर आपको आपको समस्या भेजा, कोई प्रकार का समस्या, तो आपको उठाने के लिए, आपको प्रमोशन देने के लिए। दूसरा परिचय होता है जब शैतान आपको देता है, शैतान जब आपको परखता है आपको हमेशा गिराने के लिए, गिराने के लिए। और तीसरा परिचय होता है जब हमारा शरीर का अभिलाष में हम गिर जाता है, वो परीक्षा में जब हम गिर जाता है तो हमारा नुकसान होता है,
हमारा परमेश्वर से हम दूर हो जाता है। तो आप कौन से परीक्षा में आप जा रहे हैं उसको सोचिए, परमेश्वर भेजा है। कभी कभी हम लोग बहुत धार्मिक होता है, परमेश्वर या परीक्षा हमारा जीवन में क्यों भेजा करके बोल देता है। देखो, परमेश्वर भेजा ना शैतान भेजा, ना आपका शरीर का अभिलाष से ये हो रहा है, अब बाध्यता से हो रहा है। अनेक बार हम लोग बहुत अबाध्य होता है, और अबाध्य होने से परमेश्वर हमको सुधारने के लिए इस तरह एक एक समस्या भेजता है। हमारा जीवन में अनेक बार हुआ, आपका भी हुआ रहेगा। तो जब हम सुधर जाता है तो परमेश्वर उस समस्या को हटा देता है। जैसा हम बताया था, समस्या होता है दौड़ के जाके फास्टिंग प्रेयर के लिए जाओ, वो करेक्ट है, वो अच्छा है। फास्टिंग प्रेयर के लिए दौड़ के जाओ, क्योंकि हम जब प्रभु के पास अपना जीवन को समर्पण करता है तो सुधरने के लिए एक रास्ता है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए प्रभु के पास दौड़ के जाना रॉन्ग नहीं है, कम से कम उसके पास जाता है। अनेक जन इधर उधर भागता है, कोई फायदा नहीं है। प्रभु के पास जाने से हमारा फायदा है, वही हमको उद्धार कर सकता है। अगर परीक्षा प्रभु से आया है तो हमको प्रमोशन देने के लिए, और परीक्षा पार हो जाने से हमारा प्रमोशन होगा। अगर शरीर का अभिलाष का परीक्षा है तो सुधर जाना है, और जो भी गलत आप करते हो उसको छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर सहने नहीं सकता है। आप जो बंधन में, परमेश्वर नहीं चाहता है, वो चाहता है आप सुधरने के लिए। इसलिए आपका भूल के लिए आपका शरीर में आप खुद आघात पाता है, और जब आप आघात पाता है तो सोच लो हम क्या करता, भूल क्या करता है। सांगे संग प्रभु के ऊपर में भूल डाल देना ठीक नहीं, दोष दे देना परमेश्वर के ठीक नहीं है। हमारा शरीर को पहला हम परखना है, हम भूल कर रहा है क्या। अगर भूल करता है वो भूल को हम छोड़ना पड़ेगा, परमेश्वर से कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। और तीसरा होता है शैतान भी परखता है, यीशु को भी परखा। हम देखते हैं यीशु का भी परीक्षा हुआ, लेकिन यीशु हमेशा जीता, और कैसा, परमेश्वर का वचन द्वारा। जितना बार शैतान यीशु के पास आया परखने के लिए, यीशु हमेशा उसको सामने किया वचन द्वारा, हमेशा। और जितना बार वो समस्या सामने किया, वो शैतान हार गया, यीशु परीक्षा पर विजय होते गया। बोला ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, और शैतान फिर बोलने लगा हाँ ऐसा लिखा है, तो यीशु बोला ऐसा भी लिखा है। तो इसलिए वचन के ऊपर मैं थोड़ा तानातानी हो रहा था, लेकिन यीशु परीक्षा में जीत के आया वचन के लिए। तो हमको जानना है कि वचन में क्या लिखा है। अगर हम वचन में क्या लिखा है नहीं जानता है, तो हम शैतान को नहीं बोल सकता है ऐसा भी लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए यीशु विजय हो के पार हो सका परीक्षा में। तो हम लिखते लास्ट में क्या होता है, परमेश्वर बताया था कि फिर भी उनको फिर भी वापस उन्नति में लाने के लिए जा रहा है। जितना भी बेचार होगा, जितना भी शत्रु हो के आक्रमण करेंगे, परमेश्वर फिर से एक दीप उनका जीवन में जलने के लिए, उनका बीच में जलने के लिए देता है। और वो होता है जब मसीहा आएगा, जब यीशु आएगा, तो फिर सब कुछ फिर जो है उसको फिर ठीक ठाक करके ठीक ऑर्डर में लेके आएगा। जो टूट गया है, जो उलट पुलट हो रहा है, जो टानाटानी हो रहा है, यीशु का आने द्वारा ये फिर सब सुधर जाएगा। और ये बात बताते एमस ने आखिरी में कि दाऊद का वंश को परमेश्वर जो प्रतिज्ञा दिया वो फिर से उठाने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। हम जानता है कि दाऊद का वंश को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया, बोला तुम्हारा वंश का एक व्यक्ति हमेशा सिंहासन पर बैठेगा, हमेशा। दाऊद अच्छा राजा था और परमेश्वर का बात मान के चलता था करके परमेश्वर उसको एक प्रतिज्ञा दिया, बोला तुम्हारा वंश का हमेशा एक जन सिंहासन पर बैठ के राज्य करेगा। और वही लाइन से यीशु आया, वही वादा जो परमेश्वर किया, वही प्रतिज्ञा जो परमेश्वर किया, वही प्रतिज्ञा किया कि यीशु जब आएगा तो पूरा होगा। और उसी तरह हुआ था, जब इज़राइल संतान लोग पूरा बिछड़ गया, शत्रु लोग आके आक्रमण करके जो जगत का चारों तरफ लेके चले गया, तो हम देखता कैसा परमेश्वर 1948 में इज़राइल को फिर वापस दे दिया।
ब्रिटिश राज से फिर वो लोग वापस आ गया और फिर चारों तरफ दुनिया का चारों तरफ से फिर से यहूदी लोग अपना घर वापस होना शुरू हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर उसका लोगों के लिए खोजता है, वो लोग दुनिया में जो भी देश में है अभी के लिए थोड़ा आराम लगता है, लेकिन परमेश्वर उनको जब रस्सी बांध के जब खींचना शुरू करता है, बोलता है कि जैसा बैल का नाक में, बैल का नाक में वो जो लोहा बांध के उसको खींच के लेता है, उसी तरह परमेश्वर बोलता हमारा लोगों के लिए हम करेंगे। वो लोग जो जो देश में है हम पूरा झाड़ू मार के खोजेगा उनके लिए, मछली पकड़ने वाला का जैसा भेजेगा, शिकारी लोग को भेजेगा, हमारा लोग को दुनिया का कोना कोना से उनको छांट के निकाल के इज़राइल को वापस लाना है, क्योंकि इज़राइल देश में परमेश्वर का महिमा फिर से होगा। हालेलुया। और इसलिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देता है कि एमोस का किताब बहुत सुंदर किताब है और बहुत कुछ इधर लिखा है, और जो दर्शन जो देखा हम बता रहा था, वो दर्शन जो देखा वो तिथि तिथि सब आया हम बता रहा था, आके सब खा लेगा, आग जंगल में जलेगा और उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। उसके बाद बोलता है एक टोकरी में फल सब भरती है, और वो फल ऐसा फल है, एप्पल बोलो हम लोग, वो क्या फल है पता नहीं, लेकिन हम लोग अगर देखते एप्पल को देखता है, एप्पल हम लोग सबको ही देखा है, एप्पल जब सड़ जाता है उसको खाना मुश्किल हो गया। तो एक टोकरी में पूरा फल भरा है, एप्पल भरा है और सब पूरा सड़ गया है। तो परमेश्वर बोलता हमारा लोग ये एप्पल का जैसा बन गया है, सड़ गया है, कोई काम का नहीं है, कोई खाने नहीं सकता उसको, कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है, इसको कोई लेने नहीं चाहता है, पूरा सड़ गया है। उस तरह दर्शन परमेश्वर एमोस को दिया है, पहले टिड्डी भेजा, फिर आग जलता है, आग गिरता है, उसके बाद में फल दिखाता है, पूरा एकदम सड़ गया फल। तो बोलता देखो ऐसा ऐसा है इज़राइल संतान लोग, इसको कोई खा सकता क्या? तो एमोस बोला नहीं नहीं खा सकता है, बोला हमारा लोगो ऐसा ही है। लेकिन फिर भी आखिरी में बोलता है पांच तो प्रतिज्ञा दिया है, हमारा लोगों को फिर से अपना जगह में हम वापस लेके आएगा। खुशी की बात वही है जब परमेश्वर जितना भी गुस्सा होता है उनका लोगों को त्याग नहीं करता है, हमेशा के लिए छोड़ता नहीं, उनको दंड देता है, बोलता है हम जब थोड़ा गुस्सा हुआ तो थोड़ा आपको दंड दिया, लेकिन बड़ा प्रेम से आपको खींच के वापस लेता है। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, इंग्लिश में हम नहीं समझा सकते ठीक से हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में बहुत अच्छा से लिखा है, कुछ समय के लिए, फॉर अ लिटिल वाइल, फॉर अ लिटिल वाइल आई वॉज एंग्री विथ यू, बट विथ लविंग काइंडनेस एंड टेंडर मर्सीज आई हैव ड्रॉन यू ऑन टू माई सेल्फ। गुस्सा तो हुआ, दंड देना है, भूल को भूल बोलना है ना, भूल को भूल बोलना है, चोर को चोर बोलना है, व्यभिचारी को व्यभिचारी बोलना है। तो वो सब होने के बाद परमेश्वर उसको दंड देता है, लेकिन फिर से जैसे एक बच्चा का शासन करता है, वो जब भूल करता है तो मम्मी डैडी दो तीन तो मार देता है, उसके बाद में उसको पकड़ के उसको फिर से प्रेम करता है। प्रभु मम्मी डैडी से भी प्रेमी है, हम भूल करने से भी जब माफी मांगता है वो फिर से हमको अपना बाहों में लेके फिर से हमको प्रेम करता है। तो इज़राइल को फिर से बोलता है पांच प्रकार का प्रतिज्ञा परमेश्वर फिर बताता है, इज़राइल संतान लोग को हम अपना लिए फिर से वापस लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड।